कैसे हो मेरे दोस्तों, आईपीएल ट्रेडिंग विंडो में हमारी आज की वीडियो में टीम चेन्नई सुपर किंग्स बोले तो सीएसके। मैं क्या ही बताऊंगा आपको सीएसके फ्रेंचाइज के ऊपर। टीम आईपीएल में सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल टीम है और अपने नाम पर सीएसके ने 4 टाइटल्स रजिस्टर किए हुए हैं। लेकिन ये बात भी सच्चाई से भरी है कि सीएसके के लिए आईपीएल 2022 का कैंपेन ना एक बुरे ही सपने की तरह रहा था, जिसको वो पहली फुर्सत में भुलाना तो देखो चाहेंगे। मेगा ऑक्शन से लेकर सब कुछ सीएसके के पाले में सही होकर फिट नहीं बैठ की दिया, तो फिर अब 4 बार की टाइटल विजेता टीम को फिर से अपने आप को बनाना है। और ये मौका मिलेगा कहां पर? अरे वहीं पर, ट्रेडिंग विंडो में तो मिल ही जाएगा ना मौका जाकर। अब टीम उन प्लेयर्स को टाटा बाय बाय कह सकती है जो उनके प्लान में फिट होकर बैठ नहीं रहे हैं, तो फिर इनको ट्रेड किया जा सकता है। याद रखना, किया जा सकता है। 5 नाम हम बता रहे हैं, फिर 5 या उससे ज्यादा भी नाम आप बताना, ज्ञान का तो संचार कर ही लिया जाएगा मिला जुला के। तो प्लेयर नंबर 5 हो सकते हैं तुषार देशपांडे। अब भाई जो है ना, वो बहुत ही नोन और कंसिस्टेंट नाम है मुंबई के डोमेस्टिक सर्किट पे। अच्छे फास्ट बॉलर हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट में इनका परफॉर्मेंस ये बात तो देखो बताता भी है कि 23 फर्स्ट क्लास गेम्स में देशपांडे ने 57 विकेट्स मुंबई के लिए निकाल कर दिए हैं। लेकिन अफसोस, यही सेम करिश्मा ना वो सीएसके के सेटअप पे चला कर दे नहीं पाए। डोमेस्टिक सर्किट के परफॉर्मेंस को देखते हुए इनको बैक किया गया था। अब दीपक चहर इंजरी की वजह से रूल्ड आउट हो गए थे, फिर वहां पर तो इनको परफॉर्म करने का एक लाइसेंस मिला था, लेकिन वो कहते हैं ना कि चांस गॉन वेस्ट। सैयद मुश्ताक ट्रॉफी में 2021-22 के सीजन में तुषार ने जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन किया और 4 गेम्स में निकाल कर दिए 8 विकेट्स, वो भी इंप्रेसिव 8 की इकोनॉमी रेट से। सीएसके की तरफ से तुषार ने 2 मैचेस में शिरकत करी और निकाला सिर्फ 1 विकेट, इकोनॉमी रेट था 9 का। तो कोई बात नहीं, वहां पर बात नहीं बनी तो फिर क्या हुआ? ऐसा थोड़ी ना हो गया है कि कहीं पर बात बनेगी ही नहीं अब से। डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस कहीं तो काम आएगा भैया। अब येलो जर्सी में बात नहीं बनी और वैसे भी 2 मैचेस में आप किसी को कुछ ज्यादा कह भी नहीं सकते हो। एक तो वो है ना मुकेश चौधरी, उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग सीएसके के लिए करा कर दी आईपीएल 2022 में, जहां पर चौधरी ने 13 मैचेस में 16 विकेट्स निकाल कर दिए अपनी टीम को। तो समझ रहे हैं ना, चौधरी आईपीएल की खोज है और उनके प्रदर्शन से उनका स्पॉट फिक्स तो माना जा रहा है। फिर तो सीएसके सेटअप से तुषार देशपांडे का टिकट कट सकता है और हो सकता है मुंबई के फास्ट बॉलर्स की सर्विसेज पर फुल स्टॉप सीएसके में लग जाए। प्लेयर नंबर 4 वो हो सकते हैं क्रिस जॉर्डन। अब ये भैया कह तो क्या ही कहना, पीली जर्सी में रहते हैं ना तब पता नहीं क्या हिस्सा हो जाता है, चलने का नाम ही नहीं लेकर देते हैं। खुद सीएसके मैनेजमेंट सोचता होगा कि भैया कहाँ लगा दिया दांव हमने भी। और फिर पता नहीं होता क्या है कि जैसे ही इंग्लैंड वाले सेटअप में जाते हैं, कौन सा टॉनिक पी लेते हैं कि परफॉर्मेंस निकल कर आने लगती है क्रिस जॉर्डन की। वैसे जॉर्डन से सीएसके को आईपीएल 2022 में बहुत ही उम्मीदें थी, जिसको पूरा तो देखो जॉर्डन नहीं कर पाए। अब बोल के वहां से बुलाए गए थे एज ए डेथ स्पेशलिस्ट बोलर, ऐसा तो कुछ भारतीय धरती पर दिखा नहीं हमको। अब क्या पता रौला काटी दे। वैसे भी आईपीएल 2023 जो होगा ना, वो होम और अवे फॉर्मेट में पूरे 3 साल के बाद वापसी करेगा। वहां पर पता नहीं जॉर्डन कमाल कर जाए, लेकिन अभी तक तो लगता है इंडियन सॉइल पर वो जलवा जॉर्डन नहीं दिखा पाए हैं। 4 गेम्स टोटल क्रिस जॉर्डन ने सीएसके के लिए खेले, जहां पर उन्होंने टोटल विकेट्स लिए कितने पता है किसी को? वो है 2 विकेट्स। और तो और दिल खोल दिया। वो कैसे? अरे वो ऐसे कि 10.52 की इकोनॉमी रेट के 7 रन लीक कर दिए भैया जॉर्डन ने। अब इतना भिन्नाट सा प्रदर्शन कर दोगे तो होगा ही क्या, आप टीम से ड्रॉप होंगे। तो हो गए आप टीम से ड्रॉप। अच्छा, उसके बाद से टीम सीएसके ने जॉर्डन को चांस दिया भी नहीं, जिससे देखकर तो ये लग रहा है कि कैरी फॉरवर्ड करने के मूड में तो देखो सीएसके लग नहीं रही है जॉर्डन साहब को। आपका इसमें क्या मानना है बताना फिर जरा। तो लग रहा है जॉर्डन साहब जाएंगे ट्रेड में। प्लेयर नंबर 3 की तरफ चलते हैं तो वो होंगे एडम मिल, टीवी धाकड़ गेंदबाज जो क्लॉक करते हैं 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। लेकिन पता नहीं क्या ही हो गया, मिल को सीएसके के लिए चल के ही नहीं दे पाए। इंग्लैंड में एक फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट होता है, सुना तो हो गई आपने, द 100। वहां पर तो इन्होंने क्या ही गरज के परफॉर्मेंस कर दिया, जहां पर अपनी तेज हर्राती हुई बॉल से मिल ने हपक दिए 12 विकेट्स। और बहुत खास बात यह थी कि इकोनॉमी रेट
था इनका 5.73 का। ये खेल रहे थे बर्मिंगम फीनिक्स के लिए, वहीं से ही इनको लाया गया कि ये भाई भी सीएसके के लिए ऐसा परफॉर्मेंस करके दे। अब क्राइटेरिया तो यही रहा होगा, इंजर्ड भी हो गए एडम साहब। आपने देखा होगा बॉलिंग डिपार्टमेंट को प्राइमरली ओवरसीज में लीड कर रहे थे ड्वेन ब्रावो, ड्वेन प्रिटोरियस और महेश तीक्ष्णा, और फिर उस मामले में एडम फर्स्ट चॉइस बन के आते, ऐसा तो होता दिखा नहीं, मुश्किल ही लगता था। हुआ भी यही सेम टू सेम, एक ही गेम मिला उसमें भी रहे विकेटलेस। अब देखो फास्ट बॉलर है और वो भी इतना हपक के बॉलिंग कराते हैं तो फिर इंजरी प्रोन तो देखो हो ही सकते हैं। फिर जो स्कीम ऑफ थिंग्स वाली बात सामने आती है ना, वहां पर 4 बार की आईपीएल ट्रॉफी विजेता इन पे हाथ थोड़ा हल्का रख सकती है। फिर तो ऐसा हो सकता है कि एडम मिल को भी रिलीज कर दिया जाए, सीएसके ट्रेड विंडो में ट्रेड कर दे और वो टीम इनको ड्राफ्ट कर ले जिसे दरकार है यंग फास्ट बॉलर की, जो गोली के माफिक बॉल को फेंकता हो उसकी तलाश में हो। अब आप मुझे बताना किस टीम में एडम मिल शिरकत कर सकते हैं या फिर अनसोल्ड भी जा सकते हैं। देखो भैया कुछ कहा जा नहीं सकता है, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर बताना। प्लेयर नंबर 2 की तरफ चलते हैं तो वो है इंडियन फास्ट पेस बॉलर KM आसिफ। डायनामिक तो देखो बहुत ही है KM आसिफ, ये कुछ ऐसे बॉलर्स में अपनी राय शुमारी करते हैं जो कंसिस्टेंटली ना स्पीड गन पर 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ना बस बॉलिंग कर सकते हैं। अब चल क्या ही रहा है आसिफ के साथ, समझ तो देखो आके नहीं दे रहा है। अब आपको आ जाए तो मुझे जरूर समझाना, ठीक है। आसिफ चेन्नई टीम के साथ 2018 से अब तक साथ निभाए चले आ रहे हैं और तब से अब तक भाई साहब ने शिरकत करी है 3 मैचेस में और निकाल कर दिए हैं 4 विकेट्स। अरे इतने समय में ना तो दाढ़ी के बाल तक सफेद होने लगते हैं अगर तो ना खिलाओ तो। अब 4 विकेट्स निकालते निकालते इकोनॉमी रेट आसिफ भाई ने दे डाला 11.39 का। अब हो सा जाता है, इतना सोचना देखो चाहिए नहीं। फिर होता क्या है कि सीएसके मैनेजमेंट आसिफ को बैक करता है और मेगा ऑक्शन 2022 में आसिफ को वापस से ड्राफ्ट करता है 20 लाख के बेस प्राइस में और फिर खिलाता नहीं है, या फिर कहो मौका नहीं मिलके देखता है खेलने का। अब ये सब मामला हो रहा था कि सीएसके ने मुकेश चौधरी, सिमरनजीत सिंह, तुषार देशपांडे को प्लेइंग 11 में प्रेफरेंस इनसे पहले दी, जहां पर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं मुकेश चौधरी के ऊपर तो हर मैदान फतेह कर लिया था इन्होंने। अब जब प्रेफरेंशियल ऑर्डर में ही ये नहीं आते हैं तो फिर तो इनको ट्रेड पहली फुर्सत में करा जाया जा सकता है, ये तो देखो कोई बात अलग है नहीं। और वैसे भी जहां पर इनकी जरूरत ज्यादा हो वहां पर ये खेलें तो फिर प्रोडक्टिव ज्यादा रहेंगे ना, आपका क्या मानना है? प्लेयर नंबर 1 जो ट्रेड हो सकते हैं सीएसके सेटअप से, रविंद्र जडेजा। अब सुन लो, नाम सुन के ही भिन्नाने की जरूरत कोई है नहीं। मैं भी मानता हूं सीएसके में अगर धोनी दिल है तो जडेजा उसकी धड़कन है और इनको प्रूव करने की कुछ जरूरत किसी को है नहीं, क्योंकि वर्ल्ड के बेस्ट ऑलराउंडर में जडेजा भाई अपने आते हैं। आईपीएल 2022 से शुरू होने से पहले जडेजा को कैप्टनसी सौंपी गई थी टीम की, लेकिन उसमें परफॉर्मेंस उतना बढ़िया आके दिया नहीं और टीम ने उम्मीद जितना परफॉर्मेंस नहीं किया। फिर जडेजा इंजर्ड हो गए और वहां से मामला वापस एमएस धोनी के ऊपर कैप्टनसी का शिफ्ट हो गया। आप कह सकते हो ड्यूअल रोल्स में जडेजा अपने आप को उतना बेहतर एक्सप्रेस नहीं कर पाए, इसमें कोई गलत बात थोड़ी ना है, प्लेयर है ये सब तो चलता रहता है। फिर जब ये गए बाहर तब फिर खबरें आने लगी कि भैया गुस्सा हो गए, ये वो इधर उधर, ये सब बात देखो पता नहीं कौन कर रहा है, कहां से आ रही है कुछ पता नहीं। लेकिन सीएसके ने ना इनके ऊपर लगाए थे पूरे 16 करोड़ रुपए और ये सम ऑफ मनी इतना हल्का तो देखो होता नहीं है। अभी सीएसके जो सोच रही है ना कि टीम को रीबिल्ड कैसे किया जाए, तो वो सब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करके आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो सकता है थोड़ी देर के लिए ना देखो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगेगी ये बात, लेकिन एमएस धोनी जिंदगी भर के लिए क्रिकेट नहीं खेलेंगे, 41 के हो गए हैं और ये बात बहुत ही रीजनेबल है कि सही तरीके से ट्रांसफर ऑफ पावर्स करके वो जाएंगे। उन्होंने पहले विराट कोहली को इंटरनेशनल सेटअप में ग्रूम किया था और फिर बाद में अपनी संन्यास की घोषणा करी थी और एमएस धोनी टीम के थलाइवा है बॉस, आईपीएल के नंबर जडेजा के जो भी कहते हो, लेकिन नंबर्स पूरी पिक्चर बयां नहीं करते कभी कभी, क्योंकि फिर जडेजा ने ना तो चढ़ के परफॉर्मेंस दी ही है टीम इंडिया के लिए उसके बाद से, उससे तो ओपोनेंट की रूह कांप गई थी इंग्लैंड के अगेंस्ट।
टेस्ट मैच तो याद ही होगा, ऐसा रगड़ा बैटिंग से चलाया था कि पानी तक नसीब नहीं हुआ था बॉलिंग यूनिट को। अब जडेजा मोर ऑफ बैटिंग ऑलराउंडर वाले जोन में है और बॉलिंग कम करके दे रहे हैं, तो हो सकता है सीएसके इनको ट्रेड या फिर रिलीज करके उन रुपयों को टीम की कैप्टेंसी और सीएसके को फ्यूचर रेडी करने के लिए लगा दे। क्यों, क्या मानना है आपका? मुझे पता है रविंद्र जडेजा की इम्पोर्टेंस कितनी ही ज्यादा है सीएसके के लिए। अब आप सारे नाम बताना, ठीक है, मिला जुला के राय बना ली जाएगी क्या बोलती है अपनी स्विंग की पब्लिक। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी होगी ना, तो लाइक और शेयर भन्न से दबा देना ताकि वीडियो में ना उड़ान भर जाए और आगे तक सनसनन साए साए की तरह चली जाए। पहली बार अगर लैंड हुए हो और कंटेंट अच्छा लगा हुआ होगा ना, तो सब्सक्राइब करना हमें। मजा तो देखो फिर आपको और हमको दोनों ही बहुत ज्यादा वाला आ जाएगा। बेल आइकॉन भी फटक करके प्रेस कर देना। अरे तभी तो आपकी चैनल स्विंग की वीडियो मार्केट में आ गई है, पहली फुर्सत में पता चल जाएगा आपको। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपना और अपने घर वालों का बहुत ही ज्यादा ध्यान देना। ये तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और ये सब बाकी मामला सेकेंडरी है, ठीक है। फिर मिलता हूं मैं आपसे।